सोलन के कंडाघाट में स्थित शराब के ठेके के सेल्समैन से करीब 62,000 की लूट करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनको सीजीएम की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से उन चारों आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सोलन पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि कंडाघाट के ठेके से लूट करने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनको सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें 29 जनवरी तक रिमांड पर लिया गया है। कंडाघाट क्षेत्र में शराब के ठेके में लूट का मामला सामने आया था, उसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो एक्यूज थे चारों को अरेस्ट कर लिया कल और उनको अब पुलिस रिमांड पर 29 तक हमारे पास हैं। अब इन इन्वेस्टिगेशन और रिमांड में देखा जाएगा कि इनके मॉडस ऑपरेंडी क्या था और क्या विषय था कि इन्होंने वहाँ पे चोरी की और ऐसी लूट को अंजाम दिया।